हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/7 ऑफ अ नंबर इज 24, फाइंड द नंबर। तो इनमें इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्लू दिया जाएगा और आपको कोई एक नंबर पूछा जाएगा कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सपोज करना होगा कि लेट द नंबर बी एक्स, या लेट द नंबर बी वाई, लेट द नंबर बी ए, ठीक है। इस तरह से कोई भी एक अल्फाबेट लेके आप उस नंबर को सपोज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया लेट द अननोन नंबर बी वाई। अब क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7 ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स 3/7, 3/7 मल्टीप्लाई बाय ऑफ दैट नंबर दैट इज वाई इज इक्वल टू 24। तो हमें स्टेटमेंट को समझना है और उसको फिर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 3/7 ऑफ अ नंबर इज 24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/7 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 24। अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता 2/5 ऑफ अ नंबर इज 25, तो 2/5 लिखते हम, ठीक है। तो अब हमें पता है जो भी इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो राइट हैंड पे जाके डिवीजन में चली जाती हैं, और डिवीजन वाली चीज मल्टीप्लिकेशन में चली जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 24 7/3, ठीक है। 7 अब हमारा मल्टीप्लाई में चला गया और 3 हमारा डिवीजन में चला गया। पहले हम जो हमारा न्यूमिरेटर है 24 मल्टीप्लाई 7 करेंगे और उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 168 डिवाइड बाय 3। अब आपको सिंपल डिवीजन करना है, यहाँ पे आंसर इज 36। सो जो हमें नंबर फाइंड करना था वो हमारा नंबर क्या आ गया आंसर में, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 टाइम्स अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 22 द रिजल्ट इज 14 लेस देन 7 टाइम्स द नंबर। दैट मीन्स हमें इक्वल टू के लेफ्ट में भी कुछ करना है और राइट में भी कुछ करना है। कुछ नंबर का इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे लेस हो रहा है, और फिर उस नंबर को फाइंड करना है। तो अननोन नंबर हमने मान लिया है कि एक्स है हमारा। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो हमसे क्वेश्चन में कहा है, इफ 3 टाइम्स अ नंबर इज इंक्रीज बाय 22, तो दैट मीन्स 3x+22 हो गया। द रिजल्ट इज वो किसके इक्वल होगा, 14 लेस देन 7 टाइम्स, दैट मीन्स 7x-14। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 3x+22 इज इक्वल टू 7x-14। अब सिंपल हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से जब भी हमारे पास इक्वेशन आती है सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल वाली चीज एक साइड में ले जाते हैं, कॉन्स्टेंट वाली चीज एक साइड में ले जाते हैं। तो 7x-3x करेंगे और 14 22 के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि 14 यहाँ पर हमारे पास माइनस में है। अब सिंपल x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 9। सेपरेट 84 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट विल बी 12 लेस देन ट्वाइस द अदर। तो 1 पार्ट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड द अदर पार्ट बी 84-x। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी नंबर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इसी तरह से उसको लेट करेंगे कि 1 पार्ट या 1 नंबर एक्स है और अनदर नंबर 84-x। अगर क्वेश्चन में 54 दिया होता तो 54-x, तो इस तरह से उसको सपोज करना हमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे, सेपरेट 84 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट विल बी 12 लेस देन ट्वाइस द अदर। तो हमने इक्वेशन बना लिया यहाँ पर, 84-x इज इक्वल टू 2x-12। सिंपल अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक साइड ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट वैल्यू एक साइड ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 32। अब हमें अदर पार्ट निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 32 जो हमारी x की वैल्यू थी, अदर पार्ट इज 84-x, दैट मीन्स 84-32
तो हमारा सेकंड पार्ट आ गया है 52। सो द टू पार्ट्स आर 32 एंड 52। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं, दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वाइस अ नंबर इज 500 मोर देन 6 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज द नंबर। सब सिंपल, सबसे पहले हमें सपोज करना है नंबर हमारा एक्स है, 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 500। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन आप सही बना लेते हैं, सॉल्व उसको कर ही लेते हैं, बच्चे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको सॉल्व करना आ जाता है, बट मेन होता है इक्वेशन बनाना। अगर एक बार में आपने इक्वेशन सही नहीं बनाई है तो आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा। सिंपल, 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 500 माइनस 4x, x इज इक्वल टू, तो अभी यहाँ पर जो आ रहा है हमारा नंबर नेगेटिव में आ रहा है, सो द नंबर इज -125। एलेक्स इज 14 इयर्स ओल्ड एंड ही इज आल्सो 9 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर क्रिस्टिन, हाउ ओल्ड इज क्रिस्टिन। तो क्रिस्टियंस एज मान ली, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसको हम सपोज करेंगे, तो सब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है हाउ ओल्ड इज क्रिस्टियन, तो लेट क्रिस्टियन एज बी एक्स। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, एलेक्स एज इज इक्वल टू, एलेक्स उससे 9 ईयर्स ओल्डर है और एलेक्स की एज कितनी है 14, 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, एक्स इज इक्वल टू 5, तो क्रिस्टियन की एज कितनी आ गई हमारी 5 ईयर्स। अनिका इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर शेन, इफ शेन इज 25 ईयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड इज अनिका। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पर, तो अनिका की एज आ गई है यहाँ पर 30 ईयर्स। लाइम बॉट 4 आइडेंटिकल पेन्स एंड अ नोटबुक, यानी 4 पेन्स और एक नोटबुक की कॉस्ट थी हुई है $36। इफ द नोटबुक कॉस्ट ₹20, हाउ मच डज ईच पेन कॉस्ट। तो पेन की हमने कॉस्ट मान ली एक्स, इक्वेशन बनाएंगे फोर, इसको और भी तरीका है सॉल्व करने का, बट अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि एलजेब्रा के फॉर्म में ही करना है तो आप इस तरह से करेंगे इसको, तो हमारे पास आ गई ईच पेन कॉस्ट $5। नेक्स्ट, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज सेम एज 48 मोर देन नंबर, 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस 48, एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पर 12, द नंबर इज 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।